सहरसा में ओवरब्रिज निर्माण को लेकर नेताओं में जुबानी जंग जारी है। कुछ दिन पहले पूर्व विधायक किशोर कुमार मुन्ना ने ओवरब्रिज निर्माण को लेकर विशाल धरना प्रदर्शन किया था। इसके बाद बीजेपी विधायक आलोक रंजन झा ने भी ओवरब्रिज निर्माण को लेकर अपना दावा पेश किया था। अब जेडीयू के पूर्व विधायक अरुण यादव ने इस मामले में सांसद दिनेश चंद्र यादव का पक्ष रखा है। अरुण यादव ने कहा कि सांसद दिनेश चंद्र यादव की छवि विकास करने वाले नेता की रही है, लेकिन कुछ छोटे भैया नेता सांसद दिनेश चंद्र यादव की छवि खराब करने में लगे हैं। उन्होंने कहा कि सांसद दिनेश चंद्र यादव ने सहरसा में विकास की लकीर खींची है, जिस लकीर को छोटा करने की ताकत किसी नेता में नहीं है। हमारे देश को आजाद हुए 76 साल हो गए, लेकिन कई चीजों में हमको अभी आजादी नहीं मिली। जैसे कि सरकारी दफ्तरों में दुश्वारियां, परेशानियां, बद इंतजामियां। हमने आजादी की जंग इसलिए लड़ी थी ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियों की जिंदगी आसान हो सके, ना कि इसलिए कि वो जगह जगह पर सरकारी दफ्तरों में धक्के खाएं, परेशानियों का सामना करना पड़े। शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी के सपनों को साकार करने के लिए पंजाब सरकार ने फैसला किया है कि पंजाब के लोगों को अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, बल्कि सरकारी दफ्तर खुद चल के लोगों के घर पर आएंगे। अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं, बस डायल करें 1076 और सरकारी सुविधाएं अपने घर पर ही पाएं। पंजाब की भगवंत मान सरकार आपके द्वार। क्या है पूरा? देखिए, यह सर्वविदित है, जो माननीय सांसद दिनेश चंद्र यादव जी के द्वारा जो कोसी में और खास करके सहरसा में जो विकास की बड़ी लकीर खींची गई है, उसको कुछ छोट भैया नेता गलत सलत बयान दे के उस लकीर को छोटा करना चाहते हैं। हमारे समझ से तो कोई मायका लाल उसको छोटा करने वाला नहीं है। आप विगत कुछ दिन पहले ओवर ब्रिज पर कुछ लोग पूर्व विधायक और एक माननीय मंत्री जी के द्वारा टिप्पणी आया था, जबकि सभी लोग जानते हैं, सहरसा के बच्चा बच्चा जानते हैं, जो माननीय सांसद दिनेश चंद्र यादव जी के द्वारा यह 96 में ही इस ओवर ब्रिज की स्वीकृति हुई थी, लेकिन इस पर कुछ ग्रहण सा जैसा लगा रहता था और उस दिन से माननीय सांसद इसके पीछे लगे हुए थे। लेकिन फिर जब इसका रास्ता बन गया था, ओवर ब्रिज शुरू होने वाला था, टेंडर में जाने वाला था या चल भी गया होगा, तो कुछ व्यवसायी के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में रीट कर दिया गया, जिसके चलते यह ओवर ब्रिज अधर में लटक गया। अब जब तक माननीय उच्च न्यायालय का निर्णय नहीं आता है, तब तक यह ओवर ब्रिज का काम शुरू नहीं होगा। ओवर ब्रिज स्वीकृत है, और कुछ लोग जो गलत बयानबाजी करते हैं, माननीय सांसद पर टिप्पणी करते हैं, यह राजनीति की सबसे ओछा हरकत है। इस मैं अपनी ओर से और पूरे पार्टी की ओर से इसका घोर निंदा करते हैं। जो इस तरह की टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, जो लोग दिन रात विकास के लिए समर्पित हैं, जिसका जीवन ही विकास है और आज तक वो विकास ही किए हैं, दूसरा कोई काम नहीं किए हैं, सब आप लोग भी जानते हैं, जो सहरसा में जो भी हुआ है वही किए हैं, चाहे यह ओवर ब्रिज का मामला हो, चाहे बड़ी रेल लाइन का मामला हो, चाहे दूरदर्शन की मामला हो, सब उन्हीं के द्वारा किया गया है। और फिर भी टिप्पणी करके वह चाहते हैं जो राजनीति में हमको फिर से पहचान बने, यह पहचान बनने वाला नहीं है। माननीय सांसद जी के द्वारा जो किया गया है, इसको कोई मिटा नहीं सकता है, और यह बयानबाजी करने से किसी कोई लोग समझ भी नहीं सकते हैं, क्योंकि दिनेश चंद्र यादव पर टिप्पणी करना विकास के नाम पर, यह घोर आश्चर्य की बात है। अरुण यादव का कहना है कि सांसद दिनेश चंद्र यादव ने 1996 में ही रेलवे ओवरब्रिज बनाने की मंजूरी दिलवा दी थी, लेकिन कुछ कारोबारियों ने हाईकोर्ट में केस दायर कर ओवरब्रिज का काम रुकवा दिया था, इसलिए ओवरब्रिज के काम में कानूनी रुकावट आ गई है। हालांकि अरुण यादव के इस जवाब को शायद ही उनके विरोधी स्वीकार कर पाए। पंजाब केसरी टीवी के लिए सहरसा से रंजीत सिंह की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।